हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने पूरे पेट का घेरा कम करने के लिए सिर्फ 5 एक्सरसाइज लेकर आई हूं, जिसे आपको एक ही जगह खड़ा होकर करना है और कोई भी छलकूद नहीं करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जितना भी आपका पेट का मोटापा है ना, वो जल्दी से जल्दी खत्म होगा। तो चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और अपने पूरे पेट के घेरों को हमेशा के लिए एक्सरसाइज है उसके लिए आपको आराम से इस तरह से खड़ा हो जाना है। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, अपने हाथ को इस तरह सिर के पास लगाना है और इस तरह से अपने पैर को उठाना, थोड़ा सा आपको झुककर अपनी कोहनियों को इस तरह से घुटनों में टच करना है, जैसे इस तरीके से 1 2। पैरों को थोड़ा पीछे लेके जाए फिर लाकर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप एक साइड 15 बार कर ले, फिर दूसरे साइड 15 बार, तो इस तरह से आपको 30 बार तक करना है, जैसे 10th बार इस साइड से। अब इस पैर को थोड़ा पीछे करेंगे और इस हाथ की कोहनियों को दूसरे पैर से घुटनों से टच करेंगे इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 15-15 दोनों साइड से करके 30 बार तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इसका ज़्यादा चाहते हो ऐसा, तो कम से कम 25-25 करके 50 बार। उसमें आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से दोनों हाथों को किए, साइड से पैर को इस तरह उठाना है, साइड में पैर को जितना आप ऊपर ले जा सकते हो उतना लाना है, फिर थोड़ा साइड में कर देना है, जैसे इस तरीके से 1 पैर पीछे आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10th बार इस पैर से। अब ये पैर थोड़ा पीछे करना है इस तरीके से उठाकर साइड में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 15-15 बार दोनों साइड से कर ले और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। आपका अपर बैली लोअर बैली फैट बिल्कुल आराम से चलिए। आपको इस तरह से दोनों हाथों को जोड़कर बिल्कुल हाथों को इस तरह कंधों के पीछे सीधा कर देना है और फिर आपको एक पैर को उठाना और इस तरह से हाथों में को टच करना है थोड़ा नीचे झुकते हुए, जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आपको 10-10 का 3 सेट और 30 से 50 बार करना है। शुरू में आप थोड़ा 10 से 20 बार ही तक कर ले, फिर आप इसे 30 से 50 बार तक करें। बिल्कुल सिंपल है, जितना हो सके अपने पैर को ऊपर की ओर उठाएं, फिर आराम से उसके लिए दोनों हाथों को इस तरह बिल्कुल सीधा ऊपर, एकदम पूरे शरीर को टान कर इस तरह ऊपर की ओर रखना है, थोड़ा सा इस तरह पीछे की ओर घूमना है, फिर नीचे झुकते हुए अपने पैर को तलवों को इस तरह से टच करना है इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से करना है 10-10 का 3 सेट 30 बार। इसके लिए अपने दोनों पैरों के बीच में इतना सा गैप रखना है, हाथों को बिल्कुल सीधा, एक हाथ से इस तरह पैर को टच करेंगे, एक हाथ ऊपर की ओर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा भी 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार जरूर करें, फिर बिल्कुल आराम से। उसके लिए दोनों हाथों को आपस में जोड़कर इस तरीके से बिल्कुल सीधा इस तरह से हो जाना, पूरा स्ट्रेच करना अपने बॉडी को, फिर इस तरह से साइड में दोनों हाथों को जोड़े हुए रखना है, जितना आप इस तरह से झुक सकते उतना झुकना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसा भी 10-10 का 3 सेट और कम से कम 30 बार करें, फिर बिल्कुल। अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।